हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग आपके हिंदी बुक से चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा को पढ़ेंगे, समझेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। तो बच्चों, इसके जो लेखक हैं वो हरिशंकर प्रसाई जी हैं। हरिशंकर प्रसाई भारत के बहुत ही उच्च कोटि के व्यंग्यकार हैं। बच्चों, व्यंग क्या होता है? किसी चीज़ को दूसरे ढंग से कहना, जिससे वो चीज़ तो सामने वाले को समझ में आ जाए लेकिन उसको उसके दिल में उगड़ जाए। तो बच्चों, इसमें बस की यात्रा का जो लेखन है वो व्यंग्यकार श्री हरिशंकर प्रसाई जी ने इसलिए किया है कि अमूमन क्या होता है, जब हम लोग बस में यात्रा करते हैं, देखे होंगे कि यात्रियों को बहुत प्रकार का तकलीफ होता है। बस जो है काफ़ी जर्जर होती है, फिर भी बस मालिक अपने लालच में आके उन बसों को चलाते हैं, जिससे यात्रियों का जान भी जोखिम में रहता है और उनके किसी भी कष्ट को हंस के टाल देते हैं। बसों में बेइंतहाशा लोगों को ठूस दिया जाता है। तो इन्हीं प्रकार की जो समस्याएँ हैं और इन्हीं प्रकार की समस्याओं से जुड़े हुए जो विषय हैं, उसी के ऊपर लेखक ने इस रचना को किया है, इस निबंध को लिखा है ना, जो कि बस की यात्रा है। तो चलिए बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि कितना मज़ा आता है हम लोगों को। तो हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो बच्चों, इसमें देखिए 5 मित्र रहते हैं, उनको जो है शाम 4 बजे की बस से जाना रहता है। क्यों जाना रहता है? क्योंकि सुबह वो घर पहुंचना चाहते हैं, और सुबह इसलिए घर पहुंचना चाहते हैं क्योंकि 2 लोगों को काम पे जाना रहता है ना। अगर वो लोग सुबह नहीं पहुँच पाएंगे तो क्या होगा? 2 लोग सुबह काम पर नहीं जा पाएंगे। तो यह जो रास्ता है उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि इस रास्ते से चलें, मतलब इस बस से यात्रा करें जो शाम को चलती है। लेकिन लोगों ने उनको सलाह दिया, क्या सलाह दिया? कि जो समझदार आदमी है ना, वो लोग इस बस से सफ़र नहीं करते। तो लेखक को बात काफ़ी हास्यास्पद लगा। तो लेखक ने सोचा, क्या इस बस में जाने से रात को डाकू मिलेंगे, रास्ते में डाकू मिलेंगे? तो लोगों ने कहा कि नहीं, यही बस डाकिन है। तो यहाँ पे देखिएगा, लोगों ने लेखक को पहले से बता दिया है कि बस जो है क्या है, डाकिन है, मतलब लोगों को दुख देती है, कष्ट देती है और समय पर सेवा प्रदान नहीं करती है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो बच्चों, यहाँ पे आप लोग बस को देखिए ध्यान से। तो बस को देखेंगे तो बस का जो यहाँ पे चित्रण है वही बता रहा है कि बस जो है काफ़ी साल चल चुकी थी। उसका पुर्जा पुर्जा, उसके टायर है ना, उसका पूरा बॉडी, उसका हेडलाइट, उसका आगे का जो शीशा है, ये सारे के सारी चीज़ें जो है ना, ये बिल्कुल चलते चलते बेकार हो चुकी थी, कबाड़ हो चुकी थी। तो लेखक जैसे ही बस को देखते हैं ना, तो उनके मन में भक्ति भाव पैदा हो जाता है, श्रद्धा पैदा हो जाता है कि इतनी वृद्ध, इतनी पुरानी जर्जर बस और उसके पूरे बॉडी में ना सालों साल का निशान लगा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसलिए लोग वो सोचते हैं, किसी लोग इससे इस पर सफ़र, इसमें यात्रा करना नहीं चाहते क्योंकि बुढ़ापे में उसको कष्ट होगा। किसी वृद्ध व्यक्ति को अगर कोई काम करवाएं तो निश्चित तौर पर उनको कष्ट होता है। और वो बोलते हैं कि यह बस जो है अब चलने लायक नहीं है, केवल पूजा पाठ के लायक है, केवल आराधना के लायक है। तो इस जो पूजनीय चीज़ में हम लोग सवार कैसे हो सकते हैं, ऐसा उनका मन में एक विचार आ जाता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो देखिए, यहाँ पे लेखक के मन के संदेह को दूर करने के लिए एक उनको व्यक्ति मिल जाता है जो कि कंपनी के एक हिस्सेदार होते हैं, मालिक होते हैं। तो लेखक उनसे पूछते हैं, क्या बस चलती भी है? देखिए, अब मालिक जो है ना उस जर्जर बस के बारे में भी क्या बोलते हैं कि क्यों नहीं चलती है, अभी चलेगी। तो लेखक बोलते हैं, वही तो हम देखना चाहते हैं कि अपने आप चलती है या किसी और से। तो उसके मालिक को जवाब देते हैं, अरे अपने आप ही चलती है भाई, आप देखते तो जाइए। फिर आगे देखिए, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, हम आगा पीछा करने लगे। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या है आगा पीछा। आगा पीछा मतलब अब जो जो हमारे लेखक हैं और उनके जो बाकी मित्र हैं ना, उनको डर लगने लगा। क्या डर लगने लगा? कि ये जो कबाड़ बस है ये चल भी पाएगी कि नहीं चल पाएगी, खाली हमको झूठ बोला जा रहा है, हमको ठगा जा रहा है। तब उनके एक डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो उनके डॉक्टर मित्र भी अब मजाक करने लगे, वो बोलते हैं कि मत डरो है ना, बस जो है बहुत पुरानी अनुभवी है, देखो इतने साल चल चल के भी चलती जा रही है। क्यों चलती जा रही है? क्योंकि चलने के लायक है, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है, और नई नई बसों में तो इतना भरोसा नहीं होता। और वो बोलते हैं कि ये तो हमको बेटों की तरह, जैसे एक माँ अपने बेटे को गोद में लेके प्यार से चलती है आगे पीछे, उसी प्रकार से हमको गोद में लेके चलेगी।
अब आगे सुनिए कि हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त ही चाहिए। तो देखिए, जो लोग उनको छोड़ने आए थे उनकी आंखें ऐसा बता रही थीं कि जैसे वो मरने के लिए जा रहे हों, है ना। और उनकी आंखों का जो बात है ना, उसको लेखक ने शब्दों में उकारा है कि आना जाना तो लगा ही रहता है। मतलब जीवन और मृत्यु तो एक छोटी सी बात है, ये कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी ना है। चाहे कोई राजा हो, राजा माने जो बड़ा आदमी हो, और रंक रंक माने क्या होता है, गरीब हो, और फकीर माने जो भिखारी हो, है ना। तो चाहे वो गरीब हो, राजा हो, या भिखारी हो, है ना, कोई भी हो, उसको तो एक दिन मरना ही है। और आदमी को कुछ करने माने मरने, यहाँ पे कुछ का मतलब है, याद रखिएगा, मरने के लिए, है ना। तो आदमी को मरने के लिए एक बहाना चाहिए, निमित्ति माने बहाना, कोई कारण। अब आगे पढ़ते हैं, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब देखिए, जब इंजन, पुराना इंजन, आप ध्यान दिए होंगे बच्चों, जब स्टार्ट होता है ना तो बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है, बहुत ज़ोर से हिलता है। तो लेखक को भी वही एहसास होने लगा कि जो है ना, जैसे कि पूरी बस जो है इंजन है, ठीक है। और वो लोग को ऐसा लगने लगा कि वो इंजन में बैठे हों, ना कि बॉडी में बैठे हों। और बहुत कम कांच बचे हुए थे, जैसे आप मालूम होगा कि वो जो बस बहुत पुरानी थी, सारे कांच वांच टूट गए थे। और जो भी कांच बचा था ना, वो इतना ज़ोर से हिल रहा था इंजन के चलने से कि उनसे इन लोग को बचना था, लेखक लोग को बचना था, क्योंकि जो कांच है ना, इनको आके लग सकता था। इसके कारण क्या हुआ कि ये लोग खिड़की से दूर चले गए, है ना, खिड़की से दूर चले गए, क्योंकि खिड़की में पास रहते तो कांच लगने का गुंजाइश रहता। और इंजन ऐसा चल रहा था कि मानो ये लोग, इन लोग की सीट के नीचे में ही इंजन हो, है ना, इंजन जो कहाँ हो, इनके सीट के नीचे में हो। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो देखिए, यहाँ पे लेखक ने फिर अद्भुत व्यंग किया है। उन्होंने गांधी जी के दो आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन था, जिसमें गांधी जी ने देश की जनता से आह्वान किया था कि अंग्रेज़ों के सामानों को असहयोग किया जाए, उनके सारे सामानों का बहिष्कार किया जाए, सारी नौकरियाँ, जो भी अंग्रेज लोग बोलते थे उसको छोड़ दिया जाए। दूसरा था उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें उन्होंने बोला था कि आप लोग हाथ जोड़ के मैंने हर चीज़ को अवज्ञा कीजिए, हर नियम कानून को तोड़िए। तो उस समय, मतलब करीबन 50-60-70-80 साल पहले जो है ना, ये बस जो है नई थी, अब ये बस काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। तो उसी समय से उसको ट्रेनिंग मिल गई थी। किस चीज़ का ट्रेनिंग मिल गया था? असहयोग करने का, है ना, और सविनय अवज्ञा, हाथ जोड़ के मना करने का। असहयोग करना मतलब साथ ना देना, और सविनय अवज्ञा मतलब हर चीज़ को मना कर देना। तो इसी प्रकार से पूरा बस का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था, मतलब किसी बस के हिस्से में तालमेल नहीं था, नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बस जो है ना, हिल डुल रही हो, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। इसी को व्यंग करते हुए लिखते हैं कि पूरी बस जो है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, कि हाथ जोड़ के हर बाडी, जो बस का बाडी का पार्ट था, दूसरे पार्ट को बोल रहा था कि भाई मैं तेरे साथ नहीं हूँ। सीट का बाडी से असहयोग चल रहा था, तो सीट जो है ना, बाडी से असहयोग कर रहा था, मतलब बाडी और सीट में कोई तालमेल नहीं था। उसको लेखक लिखते हैं कि कभी ऐसा लगता था कि सीट जो है बाडी को छोड़ के आगे निकल जाती थी, और कभी लगता था कि जो है सीट को छोड़कर बाडी आगे निकल जाती थी। लेकिन जैसे ही 8-10 मील लोग चल गए, तो उनको लगता था कि सारे भेदभाव मिट गए, पता ही नहीं चलता था कि वो लोग सीट पे बैठे हैं कि सीट जो है उनके ऊपर में बैठी है। इस तरह से बस जो है चल रहा था। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों, एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुँह में दूध की शीशी लगाती है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे बस की स्थिति को गजब का व्यंग के द्वारा समझाया है हरिशंकर प्रसाई जी ने, उनकी अद्भुत रचना है, कि बस जो है अचानक रुक जाती है और पता चलता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो ड्राइवर क्या करते हैं ना, कि बाल्टी से पेट्रोल निकाल लेते हैं, है ना, बाल्टी से वो पेट्रोल निकाल लेते हैं और पेट्रोल से फिर पाइप लगा के ये इंजन में ऐसा डालने लगते हैं, ठीक है। तो लेखक कल्पना करते हैं, क्या कल्पना करते हैं, कि जैसे कोई माँ है और वो माँ जो है ना, अपने बच्चे को, है ना, गोद में बिठा कर क्या कर रही हो, दूध पिला रही हो, है ना, इस प्रकार का वो वहाँ पे व्यंग करते हैं। और वो कल्पना करते हैं कि जैसे कोई शीशी जो माँ बच्चे के मुंह में डालती है, बिल्कुल उसी प्रकार से पेट्रोल को जो है ना, ड्राइवर जो है इंजन में डाला हुआ है।
बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता था कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब देखिए, अब जो है ना, डर जो है लेखक के अंदर में बैठ चुका है। अब बस जो है थोड़ा स्पीड पकड़ लेती है, 15-20 मील उसका स्पीड हो जाता है। तो लेखक बोलते हैं कि उनको उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं रहा। बस की स्थिति को देख के लेखक को ना बिल्कुल भरोसा हट चुका था। वो अंदर से इस बात को मान चुके थे कि बस जो है कभी भी कुछ भी कर सकती है ना। तो उनकी कल्पना में देखिए कि ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ जो आसपास का जो दृश्य था ना, बहुत सुंदर था, बहुत लुभावना, लुभावना माने बहुत सुंदर है ना, बहुत खूबसूरत था। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे सड़क के दोनों तरफ, जिसमें पक्षी बैठे हुए थे। लेकिन लेखक जो है भय के मारे हर पेड़ को अपना दुश्मन मान रहे थे। उनको लगता था कि हर पेड़ जो है ना आके टकरा जाएगा, और एक पेड़ जब निकल जाता तो दूसरे पेड़ के इंतजार में वो रहते हैं। ठीक है, और एक झील वहाँ पे आती है तो बस को उनको लगता कि बस जो है झील में जाके गिर जाएगी और वो वहीं पे गोता लगा लेंगे है ना, बस जो है वहीं पे डूब जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के रिश्तेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो देखिए इसके बाद क्या होता है कि बस जो है ना अचानक से रुक जाती है, क्योंकि पुरानी बस थी उसका कोई गारंटी नहीं था, और ड्राइवर वो है हर प्रकार के उपाय लगा लेता है उसमें। लेकिन अब तो बस ने ठान लिया था है ना, सविज्ञा आंदोलन अवज्ञा आंदोलन करने का ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं तो चालू नहीं होंगी। तभी बस के हिस्सेदार क्या बोलते हैं कि बस तो एक नंबर का है, एकदम नया है। ये तो कभी इत्तेफाक माने कभी कभी होने वाली घटना है ना, ये तो कभी कभी होने वाली बात है। अब देखिए, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे अब लेखक जब देखते हैं चांदनी में, चांदनी मतलब जो रात को चांद निकला रहता है, चंद्रमा निकला रहता है, तो उसकी जो रोशनी रहती है उसमें वृक्षों की जो छाया रहती है ना, उसके नीचे बस जो है ना बहुत ही दयनीय, दयनीय मतलब जिसके ऊपर दया आ जाए, जिसके ऊपर दया का भाव प्रकट हो जाए। वो तो लेखक को लगता है कि जैसे कोई वृद्धा जो है, वृद्ध कोई रहता है, कोई बूढ़ा आदमी रहता है, वो थक कर बैठ गया हो है ना, चलते चलते थक के बैठ गया हो, उनको ग्लानि हो रही थी। ग्लानि मतलब पश्चाताप, पश्चाताप माने जो कोई आदमी गलती कर लेता है तो उसके लिए जो पछताता है कि इस बेचारी पर। अब देखिए बस को बेचारी बोल रहे हैं कि उसके ऊपर वो लोग बैठ गए हैं, इस बुजुर्ग पे बैठ गए हैं। अगर इसका प्राणायाम मतलब यहीं पे मर जाती है, अब देखिए इसको मानव के रूप में उन्होंने बदल दिया है कि इनका प्राणांत हो जाता है, तो इस बियाबान, बियाबान माने सुनसान जगह है ना, बियाबान को सुनसान होता है, तो इस सुनसान जगह में इसके अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि माने मरने के बाद के जो क्रियाकलाप होते हैं ना, क्रियाक्रम होते हैं, तो उसको लेखक बोलते हैं कि यहीं पर इसकी अंत्येष्टि हम लोग को करना पड़ेगा। अब चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़े हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो देखिए अब क्या है कि जो हिस्सेदार है ना, उनको सब इस प्रकार की समस्याओं का मालूम रहता है, तो उन्होंने इंजन खोला और सुधार किया। सुधार करने से बस चल पड़ी, लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रही थी है ना। ऐसा लग रहा था जैसे वृद्धा, जो वृद्ध लोग होते हैं, तो उम्र के साथ में आंखों की जो रोशनी, ज्योति माने रोशनी होता है ना, तो जो रोशनी चली जाती है उसी प्रकार से उसकी भी रोशनी जा रही थी। मैंने उसका हेडलाइट जल ही नहीं रहा था समझिए, एक प्रकार से। और केवल चांदनी में रास्ता को टटोल कर माने खोज कर रेंग रही थी। रेंगना माने एकदम धीरे धीरे चलना, जैसे सांप और बिच्छी और रेंगते हैं ना, उसी प्रकार से। जब भी कोई आगे पीछे गाड़ी आ जाता ना, तो वो सबको साइड दे देती, एकदम किनारे पे खड़े हो जाती, क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं था, उसमें तो कोई लाइट था ही नहीं। और बड़े प्यार से बोलती, लेखक व्यंग करते हैं कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वो उम्र ही नहीं रही। ये लेखक बोल रहे हैं कि बेटी तुम निकल जाओ, मतलब कोई भी आसपास में कोई गाड़ी आता ना तो उसको साइड दे देती थी। फिर आगे पढ़ते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उस स्वर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाएं पसारे उसका इंतजार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो बच्चों यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे क्या है कि लेखक ने बस के मालिक के ऊपर या बस के हिस्सेदार के ऊपर एक अच्छा खासा व्यंग किया है कि बस अचानक पुलिया पे पहुँचती है तो एक टायर जो है वो ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है और बैठ जाता है, जिससे बस जो है बहुत जोर से हिलता है। अगर थोड़ा स्पीड में रहता तो हो सकता था कि वो सीधा कहाँ पर गिर जाता है, नाले में गिर जाता है ना, नाले में गिर जाता है ऐसा करके। तो अब लेखक बोलते हैं कि जो बस के मालिक या हिस्सेदार होते हैं ना, उनके ऊपर उनका श्रद्धा भाव, उनका भक्ति भाव बढ़ जाता है, व्यंग कर रहे हैं उनका कि वो जो मालिक है ना, वो टायरों की हालत को जान रहे हैं, फिर भी जान हथेली पे, जान जोखिम पे लेके इसी बस से सफ़र करते हैं, ठीक है ना। उत्सर्ग माने त्याग होता है, तो उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। तो लेखक कहते हैं कि उत्सर्ग की यह भावना जो है ना कहीं और नहीं मिलेगी, दुर्लभ माने जो कहीं ना मिले। वो बोलते हैं कि इस आदमी का जो साहस और बलिदान है, जो हिम्मत है और जो त्याग करने की प्रवृत्ति है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इनको तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। मैंने कहीं पे भी कोई क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा है, जैसे कि जमीन के लिए, जंगल के लिए, हितों के लिए, उसका नेता होना चाहिए, है ना। और अगर बस नाले में गिर जाती तो जो यमराज होते हैं ना, वो वहाँ फैलाए हुए उनका इंतजार करते और उसके लिए बोलते, किसके लिए बोलते, जो बस के हिस्सेदार उनके लिए बोलते कि देखो वो महान आदमी आ रहा है ना, जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया लेकिन टायर को नहीं बदला, पुराने टायर पर ही वो काम चलाते रहा। अब चलिए फिर से पढ़ते हैं इसको। तो दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी, फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो देखिए, लेखक इस व्यंग का जो खात्मा है ना, बड़ा ही अच्छे ढंग से करते हैं कि एक घिसा टायर को हटाकर दूसरा घिसा टायर उसमें डाल दिया गया। और अब लेखक ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद भी छोड़ दी, क्योंकि जिस तरह से बस चल रहा था तो ऐसा संभव ही नहीं था कि वो समय पे पहुंच जाते। साथ ही साथ लेखक के मौनों से वो भावना ही खत्म हो गया। क्या भावना खत्म हो गया? कि कभी भी वो पहुँच सकते हैं पन्ना। तो देखिए, लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि जब समस्याएँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और उसका समाधान कुछ दिखता नहीं है, तो लोगों को ये लगने लगता है कि उनकी मंजिल कभी मिलेगी नहीं। वो एक दूसरे प्रकार के जीवन के आदि हो जाते हैं। इसीलिए लेखक आगे लिखते हैं कि पन्ना क्या कहीं पे भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। मतलब उनको कहीं भी पहुंचने का उम्मीद नहीं है इस प्रकार की व्यवस्था में, इस प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसमें, कि लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, तो बस में ही जिंदगी गुजर रहा है ना। तो इस प्रकार से लोगों को बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के समस्याओं में अपने आप को ढाल लेते हैं और उसके आदि हो जाते हैं ना, कि समस्याओं को दूर करते हैं, उसी के लेखक इसमें बोल रहे हैं इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना है। अब वो बात को बहुत आगे ले जाते हैं, बोलते हैं कि इस लोग मतलब अब इस लोग से मतलब मरने के बाद ही इस बस से छुटकारा मिलेगा, ऐसा उनको लग रहा है। इस तरह से उनके मन में चीज़ें बैठ गई हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल नहीं रही। अब इस जीवन में इस पृथ्वी पर कोई जगह नहीं रहा। सारे के सारी जो बेताबी थी पहुँचने की, सारा जो तनाव था, टेंशन था, वो खत्म हो गया है ना। और वो बड़े इत्मीनान से अब बस में घर की तरह बैठ गए कि कहीं पर भी जाए बस, उनको कोई चिंता नहीं है। सारी चिंता उनकी चली गई और वो लोग फिर हंसी मजाक करने लगे। तो बच्चों, आशा करता हूँ मेरे इस एक्सप्लेनेशन से ये वाला जो चैप्टर है काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।